दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री ने ऐलान किया है 1,40,000 पदों पर फिर से होगी भर्ती दूसरे चरण में 2019 में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देख लेते पूरी जानकारी। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखा दे रहे इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना है स्मार्ट। तो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अन अकेडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पत्रिका.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 अगस्त 2018 को 7:15 बजे बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जल्द ही बिना इंटरव्यू 1,40,000 पदों पर नौकरियां देगा रेलवे। इसमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए और ये खुशखबरी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पटना में दी है, बिहार में। तो देखिए दोस्तों, मिशन 2019 लोकसभा चुनाव में जुटी मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में शुमार बेरोजगारी पर काम तेज कर दिया है। इसी क्रम में सरकार ने करीब 1,40,000 नौकरियों का ऐलान किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार की राजधानी पटना में ये जानकारी दी है। हालांकि ये नौकरियां कब आएंगी इस संबंध में रेल मंत्री ने किसी समय सीमा का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि 2019 में दूसरे चरण के लिए ये भर्तियां निकलने वाली है। दोस्तों, पीयूष गोयल ने एक जनसभा में इन नौकरियों की जानकारी दी है। इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें 50% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुँच सके। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे भर्ती की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके।